हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप सभी का स्वागत है आप सभी का चैनल इस्लामिक रीजनिंग पे। तो आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन और आंसर क्लास 10। जो नन हिंदी रखे हुए हैं स्टूडेंट, जो उर्दू के साथ अपना नन हिंदी रखते हैं, उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि आप सभी ने जो सेंटअप एग्ज़ाम, आने वाला एग्ज़ाम जो है अभी 2021 में, तो उनका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, तो उन्हीं में आप सभी ने कितना का सही आंसर दिया है और कितना आंसर गलत दिया है, उन्हीं के वजह से मैं आज लेकर आ गया था। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिनमें से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ दो पाँच क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, और उनमें से कहा गया है कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए, ये बहुत ही लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं, आप सभी को मैं ये बता दूँ। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट में देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था उसमें, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे पसंद करता है और क्यों पसंद करता है। तो उसका डिफिनेशन देखिए क्या है, हामिद एक नन्हा बच्चा है। हामिद एक नन्हा बच्चा है जिसका दादी का नाम अमीना था। हामिद जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाता है तो उसकी दादी उसे 3 पैसे देती है। जब वह नमाज़ पढ़कर मेले में घूमने लगता है तो उसकी नज़र चिमटे की दुकान पर पड़ता है। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वे उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो उनका हाथ जल जाता है, पक जाता है, इसलिए उन्होंने खिलौनों के बदले चिमटे पसंद करता है। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है क्योंकि जब उसकी दादी अमीना रोटी बनाती है तो उसके हाथ पक जाते हैं, इसी से बचने के लिए वह चिमटा खरीदते हैं। तो ये आपका हो गया, एक क्वेश्चन का आंसर हल हो गया। अब उनके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में का आंसर मैं ये दिया हूँ कि कर्मवीर की पहचान क्या है। कर्मवीर की पहचान का आंसर देखिए, कर्मवीर की पहचान ये है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, कर्मवीर उससे घबराते नहीं हैं। चाहे काम कितना भी कठिन हो, किंतु वह उससे उकताते नहीं थे। वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, इसलिए उन्हें कभी नहीं, मतलब उनको जो है, इसलिए जो है उनको कभी घबराहट नहीं महसूस होता था। कर्मवीर की यही पहचान है। उनके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अब आगे देखिए क्या है, सिरचन चीक शीतल पादी आदि लेकर स्टेशन पर मानो को देने क्यों जाता है। उनके बाद देखेंगे इनका आंसर क्या है, सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू की विदाई के समय शीतल पाटी चीक आदि उपहार देना ही अपीट था। यदि वह घर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कभी आ जाती, फिर उसे तो गांव वालों से ठेस लग चुका था। उनके बाद आगे देखते हैं, कबीरदास के अनुसार ईश्वर का निवास कहीं नहीं है तथा कहाँ है। आंसर देखिए, कबीर दास के अनुसार ईश्वर का निवास न मस्जिद में, न मंदिर में, न क्लास में, ईश्वर का निवास व्यक्ति सच्चे हृदय में होता है। उनके बाद देखिए, संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो आंसर है इसका, संजू जो है हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। वह कक्षा 8 में पढ़ती थी और गुलाब के फूल सी कोमल और मासूम लड़की थी। संजू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह कहानी कविता कॉमिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह कहानी कविता आदि पढ़ने की शौकीन था। उसके किताबों वो जो थी किताब उनको पढ़ने का बहुत शौक था। उसके किताब पढ़ने के शौक के कारण उसे बीएड में
बुक का भी उपहार मिला था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी इनका PDF लेना चाहते हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ले सकते हैं। और एक चैनल हमारा और चलता है यूलर्न क्लासेस नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th और 12th की पढ़ाई जा रही है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उनका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो में बस